कोको दीदी और भैया स्कूल जा रहे हैं, तुम नहीं जाते क्या? तभी तो तुम अनपढ़ गंवार हो। देखो देख तो सही, खुशी अनपढ़ गंवार है, इसीलिए तो है, इसीलिए तो अनपढ़ गंवार हो तुम, पढ़ते नहीं हो। हाँ सदा नहीं करते रहते हो, इतने पैर चाटते रहते हो, सबके हाथ चाटते रहते हो। इधर देखो ऊपर, इधर देखो ऊपर, तुम कब पढ़ाई लिखाई करना शुरू करोगे? अरे 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 बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ बिल्कुल। अरे 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 भाई हाथों पे बहुत झपट्टे मारता है। मैं आपको बताता हूँ अच्छी पढ़ाई लिखाई क्या होती है। तो बच्चे जो है ना दोनों जा रहे हैं स्कूल, धूप को लग रही है बहुत ठंड, क्योंकि एसी चल रही है इस कमरे की, तो वो उड़ के बैठा है। और पीछे यहाँ कोई है? क्या कर रहा था ये ऐसे खेलता रहता है। और ये बता बिस्तर पे इन लोगों के साथ में ऐसे खेलता रहता है पूरे टाइम। नो चाटा चाटी सही कर देगा तुझे मैं बता रही हूँ। स्वाहा सो जा। ओ अंदर बंद कर दिया सदर तान के सो जा। भैया और दीदी स्कूल जा रहे हैं, सोना मेरे साथ रहेगा? हाँ सोना मेरे साथ रहेगा, खोदा खादी नहीं करना ना कुछ काटी काटी करना ना। नो पिटाई हो जाएगी। तो दोनों बच्चे स्कूल जाते हुए, चलो बेटा हो गया टाइम। पापा लेकर आए हैं इतनी सारी सब्जियां, केले लेकर आए, खरबूजा लेकर आए, तुरई लेकर आए। और तुरई इस टाइम की ना बड़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। और देसी वाले खीरे हैं ये, खरबूजा भी देसी वाला है। और केले तो थोड़े से ही लाते हैं, केले पहले के भी रखे ना। हाँ तो मेरे इसमें काट दे केला, और मेरे लिए कट रहा है फ्रूट सैलेड, क्योंकि मैं फ्रूट सैलेड ही खाती हूँ। तो पपीता और ये वाले दोनों केले काट दे इसमें बस, मुझे तो थोड़ा ही देना बेटा, ज़्यादा मत देना, अपने भैया के लिए बना दे चाय। मैं कोको के बालों में कॉम, और ये करा नहीं रहा, क्यों बालों में कॉम नहीं करा रहे तुम पापा से? अरे बहुत पीटूंगा, बैठ तब। क्यों करान नहीं चाहता बालों में कॉम? नहीं कराना चाहता उसे, करो ना दूसरे वाले। नहीं उससे ना हो रही, वैसा वाला पापा को निलाने का खिल और ये सब करवाने का बहुत शौक है। बहुत पिटी करूंगा, नहीं बेटा गर्मी हो रही है, ये शो गर्मी हो रही, गर्मी छोड़ दो, बाहर ना गर्मी बहुत हो रही है, अंदर चला दो पंखा। यहाँ पे फैन भी लगवा रखा है। तो इस तरीके से हमारा सुबह सुबह की स्टार्टिंग हुई है। देखो कॉम करने से ना कितना वाइट लगने लगता है ना ये। कोको कोको इधर देखो, कितना स्मार्ट बना दिया तुम्हें। देखो अपनी उंगली दे दी इन्होंने मुंह में, अब वो इसको चबाता रहेगा ये, और पिंच करता है, चबाता नहीं है, मतलब काटता तो बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी ये ना कॉम करा लेगा, इसके फर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है भाई। चलो ट्रीट दे दो, अब ट्रीट दे दो, ट्रीट दे दो, दो बिस्किट निकाल के दे दो। अरे इतने सारे नहीं, सिर्फ दो बिस्किट। देखो 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 इतनी सारी ट्रीट दी जाती है, धूप में नहीं कोको, चलो अंदर चल रहे हैं। तो मैं डेली मॉर्निंग में फ्रूट सैलेड खाती हूँ, चाहे एक फ्रूट खाऊं, चाहे दो खाऊं, चाहे तीन खाऊं। अब जैसे आज क्या था, खरबूजा लाए थे यशु अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ मिल गया तुम्हें खरबूजा? खरबूजा है ना। और कोको देखो इंतजार में बैठा है कि खरबूजा मुझे भी मिलेगा, ये फ्रूट भी खाता है हमारे साथ। ये दरवाजा बंद कर दो नहीं तो रोशनी बड़ी अजीब सी आ रही। और क्या कहते हैं पपीता, पपीता तो कल लेकर आए थे, और केले भी पहले के ही रखे हुए थे। तो अभी हम लोग यश भी और मैं भी दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। पपीता खाओगे हैं? मेरा बच्चा पपीता खाएगा, लो हाँ पपीता खाएगा। कर रहा है क्या कर रहा है देखो जरा, थोड़ा सा दूर को हो जाओ तभी तो पता चलेगा क्या कर रहा है। देखो कैसे करता है ये, जो बच्चे आते हैं ना स्कूल से, ठीक कैसे करता है। ध्रुव पहले तेरे पीछे भागा, बैग उतार दिया तुमने, सही है। ये देखो ये इतना खुश होता है ना बच्चे आते हैं तो बहुत। ये पापा आते हैं तो भी ऐसे करता है, मैं आती हूँ तो भी ऐसे करता है, बहुत लिपटता है भाई बहुत। चलो उतार दो, छोड़ दो खुशी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे
छोना बाबू है, छोना बाबू। कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी थी। बैग उधर रख दिया निकाल के, आते से मोबाइल छूने लगे। नहीं पता नहीं, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा। नेटवर्क ना आज वो हो गया, मतलब वाईफाई खत्म हो गया, अभी करवाना पड़ेगा सही। बस बस कोको बस स्टे। हाँ बेटा स्टे, बस बस कुछ ही थोड़ी सी ट्रीट दे दे जा, कहना मान रहा है। चलो। तो बच्चे जो हैं स्कूल से आ चुके हैं। अच्छा गया है स्कूल तुम्हारा? चेंज करो, नहाओ, खाना खाओ। नेट खत्म हो गया बेटा। देखो इस लड़की ने यहीं पे लंच बॉक्स यहीं पे सब कुछ खोल लिया, और ये अपना सब कुछ बैग में अंदर रख के आ गया। तो आज तुम्हें एक बर्थडे पार्टी में भी तो जाना है अपने दोस्त की, क्या नाम है उसका, मौलिक। हाँ, मौलिक के बर्थडे में जाना। किस टाइम मैंने सर से ही बात कर ली? 5 बजे सर से मैंने बोल दिया। 3 बजे आ रहे हैं पढ़वाने के लिए। नहीं 3 बजे आ रहे हैं वो पढ़वाने के लिए, जल्दी से चेंज। 2 बजे हमारे स्कूल है, हम नहीं पढ़। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे तक आराम से फ्री हो जाओ बेटा, न गलत बात है खुशी। तो मैं अपना खाना खा रही हूँ और दाल चावल, मतलब चावल तो मैंने बंद कर दिया, चावल नहीं खाती हूँ मैं। और मैं पार्लर में ही हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ये जो रूम है ना, इसमें मैंने अपने लिए इस तरीके से बेड डलवा रखा है। तो यहाँ पर हमारा पार्लर का भी काम होता रहता है, मतलब हमारे कस्टमर का भी काम होता रहता है, और प्लस मैं अपना भी खाना पीना जो है वो यहीं पर करती हूँ, और बाहर की साइड में काम चलता रहता है, क्योंकि हमारा पार्लर ना काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी स्पेस है हम लोगों के पास। ये वाला जो रूम है ये वैसे भी मेकअप स्टूडियो रूम है, और ये बाहर की साइड से जो रास्ता जा रहा है वो हमारा मेन पार्लर है। ये हमारा मेकअप स्टूडियो है जिसमें मैंने अपने लिए ये डलवाया हुआ है। तो आज मैं पार्लर में काफ़ी जल्दी आ गई थी, उसके बाद मैंने अपना खाना पीना स्टार्ट किया है, खाना खा रही हूँ मैं, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बाहर चल रहा है पार्लर में काम, सब बच्चों ने भी लंच कर लिया, मतलब स्टाफ जो है ना वो 2 बजे के करीब लंच कर लेता है, आज मैं लेट कर रही हूँ, 3 बज गए हैं इस टाइम, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने नहीं लंच किया, तो इसलिए अभी मैं लंच करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। लेयर बिल्कुल क्लियर दिख रही है, क्लियर बिल्कुल ऐसी तो आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। आज अपने बालों से मैं बहुत खुश हूँ, साइंस बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज मैं भी अपने बालों की कटिंग करा रही हूँ, और मैंने अपने बालों की ना ट्रिमिंग कराई है, ट्रिमिंग कराऊंगी मैं अपने बालों की, और क्योंकि ना बाल बहुत ज्यादा दो मुए हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग कराई है। और बस आज का यही था, आज मैं पार्लर में थी सुबह से, 2-3 दिन से ना मैं पार्लर में डेली आ रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं अब रहती हूँ शाम तक, फिर मेरा मन करता है तो आ जाती हूँ, मन करता है तो फिर नहीं आती हूँ, लेकिन बट मैं 2 दिन से लगातार आ रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और बालों का ना मैं एक हेयर स्टाइल टाइप का कराऊंगी छोटा सा, वो भी मुझे पसंद आता है बहुत। ये जो हेयर स्टाइल है ना बड़ा ही प्यारा लगता है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये ना ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी जो सीरियल होते हैं ना उनमें यही हेयर स्टाइल बनाते हैं, और लड़कियों का भी बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों का ज़्यादा बनता है ये, और यंग लड़कियाँ भी बनवाती हैं, बट मैंने सोचा कि आज मैं भी बनवाती हूँ, क्योंकि मेरा भी खुला रखने का मन है बालों को इस तरीके से। तो मैंने ये 2 चोटियाँ यहाँ पे करा ली। हाँ बच्ची हूँ अभी, मैं बच्ची हूँ भाई, जवान छोड़ो, बच्ची हूँ, दिल तो बच्चा है जी। कैसा लगा मेरा ये हेयर स्टाइल? आराम से पार्लर में बना के रहो, बहुत सुंदर लगता है, आंखों पे बाल भी नहीं आते, बाल के बाल खुले हो जाते हैं, सुंदर लगता है बहुत ये वाला हेयर स्टाइल ना, लड़कियों पे भी अच्छा लगता है, लेडीज पे भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी चाहे वो इसको बना सकता है अपने बालों में। मुझे ये पसंद आया तो आज मैंने ये बनवाया है, कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके जरूर। काट क्या देखो, देखो भाई कोको, कोको देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, मेरा बच्चा कितना स्मार्ट लग रहा है, मेरा छोना कितना स्मार्ट लग रहा है। मम्मा आई तो मम्मा से कैसे लिप्टू चल रही थी, मम्मा से ऐसी लिप्टू चल रही थी छोना की, मम्मा से बहुत प्यार करता है मम्मा, अभी पार्लर छाई तो मम्मा का लाल बहुत सारा प्यार कर रहा था मम्मा से, छोना मेरा देखो कितना प्यार लग रहा है, मोतू देख कैसे बैठा, ये झिंगी लल्ला हूँ, झिंगी लल्ला हूँ, झिंगी लल्ला हूँ, झिंगी लल्ला हूँ, हाँ मेरा छोना कितना प्यारा लग रहा है, देखो छोड़ दो छोना कैचे कैचे, मेरा बेटा कितना खुश होता है मम्मा को देख के, छोना तुम लोग बंद करो, वो टीवी देख रहा है, देखो वो टीवी देख रहा है टीवी, हाँ मेरा छोना। कोको क्या कर रही है दीदी? हाँ क्या कर रही है दीदी? देखो सारे में खिलौना बिखेरे पड़ता रहता है, और वो स्प्रे कर रही है ना, तो उसके पीछे पीछे जहाँ तहाँ जा रहा है,
हमारे वाले कमरे में भी करिया, मेरी तरफ ज्यादा करके आना। बड़ी मुश्किल से इसको रोक रखा था, देखो पीछे पीछे ये उसके क्या कर रही हो दीदी। यश जो है वो उधर क्या कहते हैं टीवी देख रहे हैं, हम लोग इधर लेटे हुए टीवी देख रहे हैं क्योंकि ध्रुव टीवी देख रहा है, और ध्रुव जो है वो लेटा हुआ है, कोको जो है वो खुशी के पीछे पीछे है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोको कोको कम, हाँ क्या कर रही है दीदी, और तुमने पूरे घर में अपने टॉय बिखेर रखे हैं, पूरे घर में अपने टॉय हैं, ऐसा करोगे तुम, तो पूरे घर में अपना टॉय बिखेरे रहता है।